अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ आयशा और आज मैं आपके साथ एक फिर न्यू टॉपिक मतलब एक न्यू पॉइंट को डिस्कस करने आ रही हूँ। यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, यूट्यूब कोर्सेज से रिलेटेड, लाइक जिसमें आपको यूट्यूब की इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मिलेगी। आज हम एक न्यू इन्फॉर्मेशन को स्टडी करने जा रहे हैं, लाइक यूट्यूब एड्स। ठीक है, यूट्यूब में सिर्फ एड्स की बात नहीं होती, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग आ जाती है आगे। और अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग जो इस चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेशन में बॉक्स में लास्ट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज़ मुझे अगर कोई फीडबैक भी हो तो मुझे फीडबैक भी शेयर करें। देन उसके अलावा हमारी हर न्यू वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करिएगा। चलें फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने वीडियो जिस मकसद के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है उसके बारे में लर्निंग करते हैं। व्हाट इज यूट्यूब एड्स? गाइस, यूट्यूब एड्स के बारे में सुन के आपके माइंड में चीज आ रही होगी, लाइक फेसबुक एड्स, लाइक इंस्टाग्राम एड, ट्विटर एड्स। ठीक है, तो फेसबुक आज मैं सॉरी यूट्यूब एड्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। यूट्यूब एड्स के अंदर सिर्फ ये यूट्यूब एड्स नहीं डिस्कस होगी, यूट्यूब एड्स के अंदर आ जाता है गूगल एडवर्ड्स, इन स्ट्रीम एड्स, डिस्प्लेज एड्स। ठीक है, ये तीन चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। गूगल एडवर्ड्स क्या होता है? आप क्या करते हैं? आप इंस्टा पे एड चलाते हैं, सॉरी इंस्टा पे एड चलाते हैं, फेसबुक पे एड चलाते हैं, ट्विटर पे एड चलाते हैं। बट कभी आपने नोट किया जो यूट्यूब पे एड आ रहा होता है 3 सेकेंड आफ्टर स्किपिंग ऑप्शन होती है? ठीक है, देन उसके अलावा एक पूरा तकरीबन 5 सेकेंड का एड होता है बट नॉट स्किप ऑप्शन। ठीक है, आपको स्किप करने की ऑप्शन ही नहीं होती। ठीक है, वो पूरा आपको देखना पड़ता है। ये जो एड्स चलते हैं ना, ये जो गूगल एडवर्ड चला रहा होता है, ये आप गूगल एडवर्ड से जाके अपने ब्रांड्स के एड्स खुद चलाते हैं यूट्यूब। ठीक है, एक तो ये चीज हो कि गूगल एडवर्ड्स है क्या। ठीक है, देन सेकंड इसके अंदर आता है इन स्ट्रीम्स एड एंड डिस्प्ले एड्स। इन स्ट्रीम्स एंड डिस्प्ले एड्स, आप लोगों ने मे बी ये नेम फर्स्ट टाइम सुना, बट आज मैं आपको ये दोनों चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं इन स्ट्रीम एड्स की। इन स्ट्रीम्स में क्या होता है, आप 3 सेकेंड्स के बाद वीडियो को स्किप करके जो आप देख रहे होते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मतलब आप क्या करते हैं बेसिकली, आता है तो कुछ लोग वो एड्स पूरा देखते हैं, कुछ लोग वो सिर्फ 3 सेकेंड्स का देखते हैं। मतलब आप कुछ, जाहिर सी बात है यूट्यूब पे आप कुछ और भी देख रहे होते हैं, देन अचानक से ऐड आ जाता है, किसी को तो वो ऐड आना भी पसंद नहीं होता। एंड इसके अलावा ये होता है कि कुछ लोग उसको पूरा देखते हैं, अगर वो ऐड ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, लोगों को अट्रैक्ट करें एंड देन लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो लोग पूरे देखते हैं। काफ़ी एड्स ऐसे होते हैं मैं खुद भी स्किप कर देती हूँ, एंड कुछ ऐसे होते हैं जो मैं खुद पूरा देखती हूँ, लाइक गेमिंग्स के एड्स भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। बट अगर आप उसमें इंटरेस्टेड होते हैं तो आप वो पूरा देख के देन इंस्टॉल पे जाते हैं, मतलब ऐप लॉक में, ऐप लॉक सॉरी 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 प्ले स्टोर में जाते हैं और उसको डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है, मतलब कि फ्रेंड्स देखिए, इसके अंदर अगर मैं तुमसे बात करूँ इन स्ट्रीम एड्स के अंदर, तो इन स्ट्रीम एड्स के अंदर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ। ये जो मैं आपको अब सीधे लफ्जों में बताऊँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जाहिर सी बात है, जिन जिन का ब्रांड या जिन जिन का किसी चीज़ से रिलेटेड बिजनेस है। ठीक है, मैंने बहुत से ऐसे एड्स भी देखे हैं जो बड़े फेमस होते हैं बट आई फील नॉट अट्रैक्टिव एड्स, सो मैं उसे स्किप कर देती हूँ। ठीक है, जो मैं देख रही होती हूँ वो कंटिन्यू करती हूँ। तो आपको अपना एड के अंदर एक ऐसी अट्रैक्शन डालनी होगी जो लोगों को अट्रैक्ट करे एंड लोग उसको एंड तक देखें। हाँ, ये भी बात नहीं कि आपका हर एड सब देखें, मोस्टली कभी ऐसा होता है कि इंसान कोई चीज़ इंटरेस्टेड देखना चाह रहा होता है और उसको उस टाइम पे स्किप कर देता है, बट अगर उसको अगेन वो शो होता है तो वो उसको इंटरेस्टेड हो और वो उसको लास्ट में देखता है। ठीक है, एंड उसके अलावा हम बात करते हैं डिस्प्ले एड्स के बारे में। डिस्प्ले एड क्या होता है? डिस्प्ले एड्स वो होते हैं जिसमें ये होता है
आपकी मर्जी एक भी नहीं चलती और आपको पूरे का पूरा ऐड देखना पड़ता है। ठीक है, यूट्यूब वाला चैनल जिसने ऐड चलाया था, उसने डिस्प्ले ऐड चलाया था कि भाई अब ये बंदा मेरा पूरा ऐड देखे, मैंने तो इसको जबरदस्ती दिखा के ही रहना है। लाइक वो कहते हैं ना कि तू मान या ना मान, मैं तेरा मेहमान। ये इस कैटेगरी वाला ही ऐड होता है कि अगर आपको वो देखना नहीं भी पसंद तो वो आपको पूरा देखना पड़ता है। ठीक है, और मतलब एड्स पे बात की जाए तो एड्स पे आपके लगते हैं पैसे। पैसे मतलब मनी। अपने पैसों को आपने किस तरह से सेव करना, लाइक देखिए ना, अगर आप ऐड चलाते हैं यूट्यूब पे एड्स सस्ते नहीं लगते, ठीक है, डॉलर के हिसाब से चलते हैं। आप एड्स चलाते हैं तो क्या अगर आपको उस एड के थ्रू रिस्पॉन्स नहीं आता तो आई थिंक सो आपको लॉस है। बट अगर आप देखते हैं एड्स के थ्रू आपको 5 से 6 या 10 या 12 या 20 या 30 फीडबैक्स आती हैं, लोग इंटरेस्टेड होते हैं, लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, उसमें जैसे लोग आपके ब्रांड को जानते हैं, पहचानते हैं और उसमें इंटरेस्ट भी रखते हैं, इंटरेस्ट शो भी करते हैं और खरीदते भी हैं, बायर भी बनते हैं। सो आपके एड्स चलाने का पैसा भी है, पैसा भी है, पैसा ही माइंड में है, तो आपकी एड्स चलाने का फायदा भी है। ठीक है, आपने अपने पैसों को किस तरह से पॉजिटिव वे में यूज करना, लाइक पॉजिटिव वे ये कि उनको वेस्ट नहीं होने देना, इट्स डिपेंड ऑन यू। बिकॉज आपने अपने बिजनेस को लेके, आपने उसकी यूनिक थिंग को लेके लोगों को ऐड दिखाना है। ठीक है, कपड़ों का, जूतों का, एजुकेशन का, सबको पता ये चीजें होती हैं, बट इनके पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है, लाइक आपके पास, हमारे पास, सबके पास। तो आपने अपने बिजनेस या अपने ब्रांड में कोई ऐसी यूनिक चीज सिखानी है जिसे लोग कहीं नहीं भाई है तो बस यही है। इस तरह से आपने काम करना है अपने चैनल या अपने ब्रांड या अपने बिजनेस पे, उसको डेवलप करने के लिए, उसको यूनिक बनाने के लिए, लोगों को वो दिखाने के लिए। ठीक है, एडवर्टाइजिंग के लिए आपने ये काम करना है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, मोनेटाइजेशन के चंद पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी एंड उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर दूसरे तीसरे पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा यूट्यूब की भी प्लेस लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।